यूपी के पीलीभीत जिले के थाना पूरनपुर के ग्राम घनश्यामपुर में एलएस शुगर फैक्ट्री पीलीभीत के गन्ना प्रबंधक श्री जितेंद्र सिंह द्वारा कृषक श्री प्रगट सिंह के प्लाट पर मानसून गन्ना बुआई की शुरुआत कराई गई, जिससे कि अन्य क्षेत्रीय किसानों को भी यह नई प्रजाति आसानी से प्राप्त हो सके। श्री जितेंद्र सिंह ने बुआई के समय किसानों को बताया कि इस समय के बोए गए गन्ने में अन्य समय की बुआई के तुलना में 25 से 30% तक उपज ज्यादा किसान को मिलती है तथा गन्ने के साथ अन्य फसल जैसे मटर आलू आदि सब फसल लगाकर अधिक लाभ ले सकते हैं। बुआई के समय उपस्थित सभी किसानों को इस समय गन्ने की बुआई करने के लिए श्री जितेंद्र सिंह द्वारा अपील की गई। बुआई के समय फील्ड स्टाफ श्री अभिजीत यादव, अंकित मिश्रा, ग्राम घनश्यामपुर गरीबपुर के किसान उपस्थित हैं। देखिए पूरनपुर से विनोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं घनश्यामपुर मौजे में खड़ा हूं। यह झाला है प्रकट सिंह जी का और यहां पर गन्ने की बुआई हो रही है। मैं फास्ट न्यूज इंडिया से रिपोर्टिंग इंचार्ज थाना पूरनपुर इस समय हमारे साथ मौजूद है गन्ना प्रबंधक जितेंद्र सिंह, एलएस शुगर फैक्ट्री पीलीभीत। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि ये कौन से माह की बुवाई हो रही है। सर नमस्कार आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ इस समय ये गन्ने की कौन सी बुवाई चल रही है। हाँ वर्मा जी, इस समय ये माह अगस्त में गन्ने की हम बुवाई करा रहे हैं। ये बुवाई मानसून बुवाई कहा जाता है। अगस्त के महीने में जो गन्ने की बुवाई होती है उसको मानसून बुवाई कहा जाता है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने कृषकों को ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि इसके क्या फायदे हैं। देखिए इस समय की जो बुआई है इसके दो फायदे हैं। सबसे पहली बात, इस समय की जो बुआई है हमारी मानसून बुआई ये माह अगस्त में की जाती है। पूरा अगस्त का महीना जब मानसून साफ हो जाता है, थोड़ा मौसम साफ होने लगता है, उस टाइम पे ये कराई जाती है। इसके दो ही फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान को अन्य बुआई की अपेक्षा में इस समय की जो बुआई करी है मानसून बुआई है, इसके बाद हमारी शरदकालीन बुआई आती है, इन दोनों बुआइयों के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसका यह फायदा है कि किसान को 25 से 30% गन्ने की उपज अधिक प्राप्त होती है, जिससे कि किसान अधिक लाभ कमा सकता है। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, इस समय की बुआई के साथ किसान, जैसे कि हमने 4 फीट की दूरी रखवाई है, इसमें ये 3 फीट का गैप है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 फीट का जो गैप बचा गन्ने की बुआई होने के बाद। इस 3 फीट की जो गैप है इसमें किसान भाई और भी फसल किसी न किसी रूप में, जैसे कि मटर है, आलू है, हाँ सह फसली कर सह फसली के रूप में ले सकता है, अधिक मुनाफा ले सकता है। ये सर लास्ट एक प्रश्न और आपसे करना चाहूंगा अपने कृषक भाइयों के फायदे में। सर ये नर्सरी क्या है, इसके बारे में जरा बताएं। हाँ हाँ जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये इस समय की जो बुआई है हमारी जी, ये एक गन्ना बुआई ना कह के इसको हम एक बीज नर्सरी के रूप में तैयार कर रहे हैं जी जी। ये हमारी नई प्रजाति 15023 है, बहुत होनहार वरायटी है, बहुत अच्छी पैदावार इसके अंदर है। इसको हम एक नर्सरी के रूप में तैयार कर रहे हैं ताकि अन्य जो क्षेत्र के किसान हैं उनको आसानी से प्राप्त हो सके जी। सर तो अब हम यहाँ फार्म मालिक यहाँ पर प्रकट सिंह जी मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे और अपने कृषकों को बताना चाहेंगे कि ये प्लाट कहाँ पर मौजूद है, जो कि आगामी समय में जो नर्सरी तैयार हो जाए इसके बाद कृषक भाई अपना इनसे संपर्क बना सकें। प्रकट सिंह जी नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे कृषक भाइयों को बताने का कष्ट करें आपका ये फार्म कहाँ पर उपस्थित है, जिससे कि आप संपर्क कर सकें। घनश्यामपुर गाँव जी और गुंचेई अपनी पोस्ट है जी, और पूरनपुर तहसील और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट और एलएच शुगर मिल पीलीभीत को ये चहल फार्म चहल फार्म जी जी, चहल फार्म के माध्यम से यहाँ पर आज पौध नर्सरी की जा रही है जी। सर अपना नंबर बोल दें जिससे कि संपर्क किया जा सके। 9719721111 जी। सर ने अपना नंबर बोल दिया है, आप नर्सरी तैयार होने के बाद यहाँ से बीज खरीद सकते हैं। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में उपस्थित थे हमारे एलएस शुगर फैक्ट्री से गन्ना प्रबंधक जितेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रकट सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं फार्म न्यूज इंडिया से रिपोर्टिंग इंचार्ज पूरनपुर विनोद कुमार वर्मा।